हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक पहले क्लासेज जॉब स्टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से, जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं दीपक बायोलॉजी क्लासेज जॉब स्टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ टाइप के देश से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है उनके वीडियोस रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची से। तो यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग पोजीशन, और ये नोटिफिकेशन वो 9 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे जितनी इन्होंने पोजीशन मेंशन कर रखी है वो सारी परमानेंट रेगुलर बेसिस में, चाहे वो आपका प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो इन सबकी पोस्ट को यहाँ पे जो है इन्होंने रेगुलर बेसिस पे निकाला है। तो यहाँ पे अगर बात करें डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे देखिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इस टाइप में आपको यहाँ पे जो है मल्टीपल डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोफेसर की वैकेंसीज कितनी है वो भी यहाँ पे क्लियरली मैंशन कर रखा है, और यहाँ पे आपको जो है किस लाइक कोटे में कितनी वैकेंसीज है। तो फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में टोटल 2 वैकेंसी प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पे 1 जो है वो अनरिजर्व है और 1 जो है एससी की है। सिमिलरली एसोसिएट प्रोफेसर 1 जो पोजिशन वो एसटी से बिलोंग करती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो 2 पोजिशन है उसमें 1 SC है और 1 EWS कैटेगरी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट में ऐसे देखना है कि आप जो है डिपार्टमेंट में जो है अप्लाई करना चाहते हैं और आप किस डिपार्टमेंट की जो एलिजिबिलिटी उसे फुलफिल कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे देखिए 7 वैकेंसी जो है प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की 17, 6 जो है वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, और PWBD में 2 वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे प्रोफेसर के लिए देखिए लेवल 14 का आपको पे ग्रेड दिया जाएगा, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13 है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 जो है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स में यहाँ पे जो कैटेगरी है वो EWS SC के लिए यहाँ पे जो है पोस्ट को निकाला गया है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की या एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो अगर प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं लाइफ साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स में, तो आपका PhD डिग्री होना चाहिए कंसर्न रिलेवेंस डिसिप्लिन में, साथ ही साथ आपकी मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए इस पीयर रिव्यूड जर्नल्स में, और आपको मिनिमम 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे एलिजिबिलिटी उन्होंने मेंशन कर रखी है। ऐसे एजुकेशन में भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, ऐसे ही नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है डिजिग्नेशन वो आपका एसोसिएट प्रोफेसर का है, यहाँ पे इन्होंने जो है केमिस्ट्री, एन्वायरमेंटल साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका PhD होना चाहिए रिलेवेंट या कंसर्न सब्जेक्ट में, मास्टर डिग्री विद एटली 55 मार्क्स आपका होना चाहिए, और मिनिमम आपका यहाँ पे 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर में भी इन्होंने जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स में जो आपकी एलिजिबिलिटी है तो वो आपका मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए 11 सब्जेक्ट में विद 55% मार्क्स। इसके अलावा जो है आपका CSI UGC नेट जो एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए, या आपका स्लेट सेट भी अगर आपने क्लियर किया है तब भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 2009 से पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको जो यहाँ पे आपकी डिग्री जो रेगुलर मोड में होनी चाहिए, आपके PhD थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ने इवेल्युएट किया होना चाहिए, आपका ओपन PhD वाइवा वॉइस हुआ होना चाहिए, आपने अपने PhD थीसिस से एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए होने चाहिए, या आपने जो है अपना जो है 2 पेपर जो है आपने अपने किसी भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स में अपने थीसिस से आपने प्रेजेंट किए होने चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा एक और यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखी है कि बहुत से लोग क्या होते हैं वो अपनी PhD डिग्री जो है फॉरेन से ऑप्टेन करते हैं, तो अगर आपने अपनी डिग्री जो है PhD डिग्री फॉरेन से ऑप्टेन की है तो आपको यहाँ पे जो है आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने PhD की है उसकी रैंकिंग जो है टॉप 500 में होनी चाहिए। तो यहाँ पे QS द ARW रैंकिंग में आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे जो है डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे एजुकेशन में भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने सेंसर क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है। इसके अलावा अब यहाँ पर बात करें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर में एसोसिएट प्रोफेसर की, तो उसका भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है स्पेशलाइजेशन की आपके पास क्या होना चाहिए। तो आप जिस भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसकी एलिजिबिलिटी पहले देख लें, उसके बाद ही आप जो है इसके लिए अप्लाई करें। इसके अलावा कुछ मैं और पॉइंट्स आपको यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ। तो ये सारा जो आपका रिलेवेंट है एलाइड सब्जेक्ट जो भी है वो सारा यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका जो है अलायंस या कंसर्न सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका अप्लाई करने के लिए।
अगर बात करें रिलैक्सेशन का, तो यहाँ पे 5% जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा बैचलर लेवल पे और मास्टर लेवल पे, अगर आप जो है SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा टू द PhD डिग्री होल्डर्स हु हैव ऑब्टेन देयर मास्टर डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991। ठीक है, तो ये सब जो है इन्होंने अभी क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो ये जो हो गया, ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट हो गया पूरा, मैंने आपको ये बता दिया कि क्या क्या यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा, जनरल गाइडलाइंस भी देखने को मिली और कॉरिजेंडम भी देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट बता दिया है। इसके अलावा हम और कुछ देख लेते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे जो है इन्होंने लाइक मे भी आपको पूरा बताया होगा कि इन्होंने कैसे जो है आपको यहाँ पे डिग्री जो है आपको मतलब कि अप्लाई करना है। तो ये पूरा पोर्शन जो है इन्होंने बता रखा है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मेंशन कर रखी है कि आपको यहाँ पे जो एप्ली प्रोसेसिंग फीस कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ जो वो पे करना पड़ेगा फॉर अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए। वहीं अगर आप SC ST या PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप वुमेन हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे नहीं करनी है। ठीक है, आप देखिए, अगर आपने आप ST ST और EWS या OBC कोटा अगर आपने जो अप्लाई किया इस कैटेगरी में, इनमें से किसी कैटेगरी में, तो आपको जो है उसका जो सर्टिफिकेट वो भी आपको यहाँ पे जो है देना पड़ेगा। आप देखिए, अगर यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है आपको, तो यहाँ पे आपको आपके टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट जो है वो आपको लाने पड़ेंगे विद अ वैलिड फोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए, और आपका जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी होनी चाहिए आपकी सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो बाद में है कि अगर आपका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको ये सारा चीज़ जो है वो लेके जाना है। तो अगर आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो यहाँ पे आपको कोई TA DA जो है वो नहीं दिया जाएगा। इसका लास्ट डेट जो है सबमिशन की फॉर्म की, वो यहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली स्पेसिफाई नहीं की है, तो आप जब तक हो सके आप जो है इसे फिलफिल करते रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फॉर 9 फरवरी 2022। क्लोजिंग डेट जो इन्होंने मेंशन कर रखी है वो 8 मार्च जो है वो मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट मेंशन करी 8 मार्च 2022 यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपका डिस्कस किए हैं। इसके अलावा और हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस दे रखी हैं कि आपको जो है स्क्रीन कैसे किया जाएगा, आपका जो है शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए देख लेते हैं स्क्रीनिंग गाइडलाइंस। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने पूरा आपका API इंडेक्स बेस पे आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ग्रेजुएशन में अगर आपका 80% एबव मार्क्स है तो 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, वहीं 60% टू लेस देन 80% 13, 55% टू लेस देन 60% 10, 45% टू लेस देन 55% 5। ठीक है, तो इसी तरह PG में आपका 80% एबव 25 मार्क्स, 60% टू लेस देन 80% 23 मार्क्स। ऐसे ही MPhil अगर आपके पास 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको 7 मार्क्स, 55% से 60% के बीच हैं तो 5 मार्क्स। यदि PhD 30 मार्क्स नेट विद GRF 7, नेट 5, स्लेट या सेट 3, रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन। तो यहाँ पे आपका अगर मैक्सिमम 5 पब्लिकेशन है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा आपके पास टीचिंग या पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस तो आपको 10 मार्क्स, अवार्ड अगर आपके पास कोई है तो वो आपको 3 मार्क्स जो है यहाँ पे दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे टोटल देखिए, अगर MPhil प्लस PhD आपने दोनों की है तब भी आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलेगा, अगर सिर्फ PhD आपने की है तब भी आपको 30 मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा आपके पास नेट है तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, और अगर आपके पास GRF प्लस नेट है तो आपको जो यहाँ पे 7 मार्क्स दिया जाएगा। अवार्ड कैटेगरी में चाहे आपके पास स्टेट लेवल का अवार्ड हो, चाहे जो है नेशनल लेवल या इंटरनेशनल अवार्ड हो, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स दो है वो आपके यहाँ पे 3 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट लेवल अवार्ड्स में 2 मार्क्स दिया जाएगा, वहीं अगर इंटरनेशनल कोई अवार्ड है तो 3 मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो API इंडेक्स बनेगा वो इस बेस पे बनेगा, एकेडमिक स्कोर 80, रिसर्च पब्लिकेशन 10, टीचिंग एक्सपीरियंस 10, टोटल स्कोर 100। तो यहाँ पे जो है आपका टोटल 100 स्कोर रहेगा, और इनमें से जो है आपको कितना मार्क्स मिलता है या कितना स्कोर मिलता है उसके बेस पे जो है आपको यहाँ पे जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपका डिस्कस किए हैं। तो ये तो स्क्रीनिंग हो गया कि आपका जो स्क्रीनिंग है वो किस बेस पे होगा, तो ये आपको जो है स्क्रीनिंग का इन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इस बेस पे होगा आपका, ये पे इंटरेस्ट के बेस पे है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, जो आपको बता देता हूँ, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है CUJ.AC.IN पर जाके जो है आप जो है यहाँ पे पूरा जो डिटेल है इस एडवर्टाइजमेंट का वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद जो है अपना जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।